तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड सारे कोर्सेज आप तक लाएंगे। सो एक्सपर्टाइज नॉलेज को लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस वीडियो के थ्रू अब हम मीनिंग समझेंगे असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर की अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, असेसमेंट ईयर जिसको शॉर्टकट में A.Y. कहते हैं एंड द प्रीवियस ईयर जिसको शॉर्टकट में P.Y. प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो AY एंड PY आगे वीडियोस में हम AY PY के फॉर्म में ही इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, सो जो हमारा AY है दैट इज एन असेसमेंट ईयर, वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इस असेसमेंट ईयर का मीनिंग क्या होता है, जो कि पीरियड है, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ओके, कमेंसिंग मींस स्टार्टिंग ऑन 1st अप्रैल एवरी ईयर। ओके, एवरी ईयर। ठीक है, दैट मींस द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, सपोज एन इनकम इज अर्न्ड, I will give you one example. Don't worry. First, we will discuss in world and then we'll discuss in example. Okay. So, the year in which year the income is earned. Okay. Jis saal mein aay hui, hamari income hui, usko bolte hain previous year. Okay. PY. Or that the income is taxable. Us aay pe jo tax lagega. Theek hai? इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर, यानी जिस साल में आय हुई, हमें इनकम हुई, उसके जस्ट बाद, तुरंत बाद, इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर, यानी आने वाले टाइम में। ठीक है, आने वाले साल को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर, यानी जिस साल में आय हुई उसको प्रीवियस ईयर, और उसके तुरंत बाद इमीडिएटली फॉलोइंग बाद, यानी आगे वाला साल, उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। ठीक है, हम अपने एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक पर्सन है, पर्सन इसकी डिफिनीशन क्या है आप पिछले वीडियोस में जा कर के इसको ज़रूर समझ लें। 7 तरीके के लोग हैं। ठीक है, वो पर्सन की डिफिनीशन में फॉल करता है। ठीक है, तो एक पर्सन है जिसने इनकम जो है वो अर्न की है 2019-20 में, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक में उसने अपनी एक इनकम अर्न की है, उसको आय हुई है। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर किसको बोलेंगे, जिस साल में हमें आय हुई, जिस साल में हमें इनकम हुई, यानी 2019-20 को हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे। और असेसमेंट ईयर क्या बोलेंगे, इमीडिएटली फॉलोइंग। ठीक है, तो 2020-2021 को हम क्या बोल देंगे, असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आपको क्लियर हो गया किसको बोलते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 को। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर की डिफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। मीनिंग तो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी अबव एग्जांपल से, जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 3 में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक है, इमीडिएटली द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो जिस साल में इनकम हुई, ठीक है, जिस साल में इनकम हुई, इनकम कब हुई, जिस भी ईयर में हमें इनकम हुई, से 19-20 ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो वो क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक है, और किस में टैक्स होता है, टैक्स कब लगता है, 2020-2021, यानी इमीडिएटली फॉलोइंग। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, असेसमेंट ईयर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, कोई भी डाउट है, बिकॉज ये बिल्कुल बेस है हमारे इनकम टैक्स का, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझना। टैक्स कब लगता है, असेसमेंट ईयर में, आय कब होती है, प्रीवियस ईयर में। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसको हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे और मैं बार बार इसको रिवाइज कराऊंगी तब तक आपके ये ब्रेन में नहीं सेट हो जाए। तो जो एक्सेप्शंस हैं वो 3 पार्ट में कवर करेंगे हम, A, B एंड C। ठीक है,
ए में कि एक कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उस केस में हम कैसे लेते हैं, ठीक है, या कोई अनडिस्क्लोज इनकम मिल जाती है, ठीक है, अनडिस्क्लोज इनकम यानी किसी ने कोई इनकम छुपा के रखी हो और वो मिल जाए, ठीक है, तो उस केस में हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कैसे डील करते हैं, ठीक है। और तीसरा केस क्या होगा, जब प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स करना पड़े। तो तीन एक्सेप्शन है, यानी तीन इनके ऐसे केस हैं जो इसको वो अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को मैं बार बार इन तीनों के लेक्चर्स में भी कवर करूंगी। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर की मीनिंग क्लियर हो गई हो, असेसमेंट ईयर की मीनिंग क्लियर हो गई हो, और इसके तीन एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जबकि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये तीन एक्सेप्शंस के लिए हम तीन एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, उसको आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स नोट्स की डिमांड कर रहे हैं, उनको मैं फिर से इन्फॉर्म कर दूँ इस वीडियो के माध्यम से। सॉफ्ट कॉपी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं commerceachiever.com पे, और हार्ड कॉपी के लिए हम को आप कांटेक्ट करें और हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वी विल प्रोवाइड यू बुक, ठीक है, बुक के फॉर्म में अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, बट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिए, क्योंकि विद्या जो है वो धन है जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा ही बढ़ता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स और बाकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सो जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करें तो आप उसे स्टडी कर सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं। कुछ चीज़ें आपको चाहिए, कुछ और वैल्यू एडिशन चाहिए, कुछ और नोट्स डिस्कशंस चाहिए, तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे शेयर करें वीडियोस को हमें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और हम और वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करते रहें, ठीक है। सो जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।